इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के जनपद आगरा से। यूपी के जनपद आगरा के विद्युत विभाग में संविदा कर्मी धरने पर बैठे हैं। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठे संविदा कर्मियों ने कार का बहिष्कार किया है। लगातार उनका धरना जारी है। एसडीओ ने 10 संविदा कर्मियों को हटा दिया है। एसडीओ के खिलाफ संविदा कर्मियों में आक्रोश है। शमशाबाद के विद्युत सब स्टेशन पर चल रहा है संविदा कर्मियों का धरना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के जनपद आगरा से। यूपी के जनपद आगरा में विद्युत विभाग के संविदा कर्मी धरने पर बैठ गए। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं संविदा कर्मियों ने कार का बहिष्कार किया और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। एसडीओ ने 10 संविदा कर्मियों को हटा दिया, जिससे संविदा कर्मियों में आक्रोश है। शमशाबाद के विद्युत सब स्टेशन पर चल रहा है धरना। ना 7 तारीख से चल रहा था जो कि नकलों में था। उसके बाद 8 तारीख को हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। उसके बाद सभी बिजली घरों पर हड़ताल हो चुकी है, कार्य बहिष्कार हो चुका है, कहीं भी कार्य नहीं हो। हाँ सर, सभी संविदा कर्मी, हमारी मांगे है कि हमारा वेतन समान कार्य समान वेतन किया जाए। और जो कि हमको 7,000-8,000 रुपये मिल रहे हैं, उनमें हमारी घरगुरस नहीं हो रही है। सभी संविदा कर्मी एकदम ग्रस्त हो चुके हैं, इनके पेट नहीं पल पा रहे हैं इनके घर वालों के। अधिकारियों ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। उसी आश्वासन में आज भी हमारी हड़ताल जारी रही, जिसमें हमारे एसडीओ साहब ने हमारे बिजली घर पर 10 लोगों के नाम अनाउंस करके बिजली घर पर लगा दिए हैं कि इनको कंपनी ने हटा दिया गया है। इनको कंपनी और बोल दिया है कि लाइनमैन काम करने के लिए इच्छुक हैं, और जो कि कोई भी कार्य नहीं कर रहा है यहाँ पर। कार्य बंद है पूर्ण रूप से 4 दिन से, और एसडीओ साहब ने ये बोल दिया है कि कंपनी से बात करें। हम हड़ताल आगे जारी रखेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल भी कार्य नहीं होगा हमारे बिजली घर पर, शमशाबाद सब डिवीजन पर। तो पूरी यूपी में ये पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है। पूरी यूपी में जितने भी बिजली घर है सभी पर संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या समस्या आप लोग? समस्या ये है सर का, हमारे जो साथी हैं वो कार्य कर रहे हैं, आज से कम कोई किसी को 10 साल हो गई, किसी को 20 साल हो गई, किसी को 25 साल हो गई कार्य करते करते। आज की महंगाई में वो स्थिति आ गई है कि हमारे जो वेतन दे रहे आए विभाग, उससे हमारे बच्चे नहीं पल रहे, ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कारण बनने आए, ना हमारे घर परिवार चल जाए, क्योंकि महंगाई इतनी है कि 7-8 हज़ार रुपये में आज किसका परिवार चल जाए। इसकी मांग हमने ऊपर सरकार से की। सरकार से मांग करने के बावजूद जब सरकार की, हमारे जो अधिकार ऊपर पदाधिकारी बैठे हुए हैं धरने पर, तो उनकी शाम को वार्ता हुई। वार्ता में ये शर्त लागू की गई कि हमको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। उसके लिए उन्होंने 18,000 रुपये का वेतन लागू रखा, 18,000 रुपये का वेतन लागू रखा। और दो एक आध और शर्त थी, यानी जो हमारे मास्टर रोल पे हो जाए हमारे जो साथी हैं, तो जो बीच में तो बिचौलिया ठेकेदार हैं वो हट जाए हमारे, तो हमारे जो बिचौलिया ठेकेदार कमीशन खा रहे हैं वो हमारे को डायरेक्ट आ जाए। तो उन्होंने ये मांग रखी, वो वार्ता उन्होंने सारी मानने के लिए तैयार हो गई। उसमें लिखित में मांगी थी कि ये वार्ता लिखित में दे दो, उसके बावजूद हम हमारी हड़ताल का अपना कार्य पर लौटे आएंगे, धरना खत्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने लिखित में देने से इनकार कर दिया। अधिकारी आपके पास आया अभी तक? अभी तक कोई हमारे पास अधिकारी नहीं आया। हमने लेटर देने के लिए गए तो हमारे एसडीओ साहब ने हमारे 10 आदमियों के नाम लिख करके कंपनी को भेज दिए, जो कंपनी हमारे कंपनी तनख्वाह दे रही है। तो उस कंपनी वाले का वो नोट फोन भी आया था कि तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो। तो एसडीओ साहब को ये हमारे को ये काम नहीं करना चाहिए, जबकि हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि सर आप गरीब आदमियों की पेट पे लात न मारें। क्या मांग करते हो? अब हमारी ये मांग है जब तक हमारी साथी वापस लौटें जो उन्होंने हटा दिए, उनको वापस करें, और हमारे जो कार्य बहिष्कार चल रहा है उन पर हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, हो रहा है, तो हमारा अहित न करें।